राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्ता जी मले और राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी, हमारे पूर्व मंत्री और यहाँ के पूर्व विधायक घनश्याम साहब, विधायक साहब श्री हरदीप जी, पूर्व मंत्री कांवर जी, विधायक जी ओम बिरला जी, जिलाध्यक्ष हमारे यहाँ के नरेश कुमार, जिला उपाध्यक्ष माधव जी, जिला परिषद सदस्य, शहर मंडल के अध्यक्ष, देहात मंडल के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सब विधायक, पूर्व विधायक बिंदु जी, बिंदु जी और सरोज जी, और मेरे सामने उपस्थित इतनी सारी संख्या में मेरी माताएं बहनें, आपको सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। उधर भी बैठी हैं, उधर भी बैठी हैं, तो देखते मुझे बहुत खुशी होती है। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि समय निकाल के आप हमारे हौसला अफजाई करने के लिए हम सब के बीच में आप आए। आपको देख के मुझे बड़ी खुशी है। साथ में मेरे सब भाई और बुजुर्गजन, उनको मैं बहुत जोरदार धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी इतनी देर होने के बावजूद भी इतनी सारी संख्या में आके अपना एक पारिवारिक साथ बताई और उसको देखते मुझे बहुत खुशी है। पिछले दिनों से गदगद हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो प्यार दिया है जगह जगह पे, हम इसी के कायल हैं। भगवान ये प्यार देते रहे, आप लोग हमारा साथ और आशीर्वाद देते रहे, और मैं कहती हूँ कि हमारे लिए सबसे अमूल्य चीज है, हम इसी के लिए दौड़ रहे, भाग रहे और चलते रहेंगे। आप ये बस प्यार देने में रोकना मत, और मैं आपको विश्वास देना चाहती हूँ कि काम में से कोई रुकावट नहीं आएगी। प्यार के बदले का ऋण मेरा है, और मैंने पूरे राजस्थान में यह कह दिया कि सबसे बड़ी चीज हमारे लिए, हमारी अमानत, हमारा ये परिवार राजस्थान में प्यार बांटने का काम, क्योंकि घायल है राजस्थान। राजस्थान के बीच में दीवारें खड़ी हो गई हैं, जात जात से लड़ रही है, मजहब से लड़ रहा है, और राजस्थान आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। मैं सबको ये कह दिया कि ये मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसा प्यार देने वाला परिवार मिला जिसके 36 के 36 कौम और सब मजहब अपने हैं, जिनकी किसी की तो बहू हो, किसी की बेटी हो, किसी की संगम भी हो, किसी के रिश्तेदारी में, तो कभी कहती हूँ कि थोड़े बहुत बेटे हो जाते तो कितना मजा आ जाता, यही मजा आता। परंतु यही चीज है जिसके लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। जब मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और मुझे फिर विश्वास हो जाता है कि राजस्थान, जिसका राज 55 साल से एक ही पार्टी और एक ही परिवार ने करके गड्ढे में डाला है, इस राजस्थान का भी भविष्य हम अलग सब लोग मिलकर आगे ले जाने की कोशिश करते हैं तो प्रगति इसमें होगी, हम लोग इसको बढ़ा सकेंगे। और अगर आज दुनिया गुजरात का नाम लेती है, 15 साल में गुजरात कहां से कहां पहुंच गया, अगर गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश का नाम लेती है, 10 साल में देखो मध्य प्रदेश कहां पहुंच गया, तो राजस्थान हमको भी 5 साल मिलेंगे। तो मैं भी विश्वास करती हूँ कि हमारा राजस्थान भी एक व्यक्ति की वजह से नहीं, परंतु इस पूरे परिवार की वजह से आगे बढ़ेगा, अपना नाम कमाएगा। जिस तरीके से हमारे स्वाभिमान और इज्जत और हमारा इतिहास एक साथ बंधा हुआ है, जो हमारे इतिहास को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और जिसकी वजह से अब कुछ दिन से मैं देख रही हूँ कि लोगों ने कह दिया कि राजस्थान की कोई हैसियत ठीक नहीं है, इसलिए वहां नहीं जाना है। मैं समझती हूँ कि फिर से हमारा परिवार अगर लगता है तो हमारी इज्जत, हमारा स्वाभिमान फिर बढ़ेगा, और दूर दूर से लोग आएंगे, दूर दूर से इस मिट्टी को फिर से छुएंगे, अपने माथे पे लगा के ये कहेंगे कि ये है वही राजस्थान जिसका नाम इतिहास में तब था और जिसका नाम आने वाले इतिहास के अंदर होगा। ये पीछे नहीं रह सकता है। मैंने अपने बच्चों की आंखों में, अपने बच्चों की आंखों में एक आशा देखी है, एक जलन देखी है, एक ऐसी बात उनके सब में अंदर है कि हमको मौका मिल जाएगा तो हम भी अपना सब कुछ बना के रखेंगे। मैंने माता और बहनों की आंखों में देखा है कि मौका मिले और हम भी अपने राजस्थान को बनाने के लिए जुड़ जाएं।
मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है जो आज कहते हैं कि हमारी जिंदगी चली गई, परंतु लोग मेरा हाथ तेरे सर पे, मेरा आशीर्वाद तेरे को, और तुम इसको बढ़ाते रहो और ये पूरा परिवार बढ़ के चलेगा, तो किसी एक जात का नहीं, किसी एक मदद का नहीं, परंतु पूरे राजस्थान का इसके अंदर बड़ा होगा। इस चीज इस मंत्र को लेकर, क्योंकि वाकई मैं मानती हूं कि ये एक मंत्र है, और मैं एक बार नहीं 100 बार भी इस मंत्र को बार बार जपूंगी तो ये सबके कान में जाके बैठेगा कि हमारा तब ही विकास हो सकता है जब पूरा परिवार प्यार से जुड़ता है और किसी के बीच में दीवारें नहीं है। ये कांग्रेस को भी अब चुनाव का टाइम आएगा, वो भी फिर से दीवारें खड़ी करने की कोशिश करेंगे, ये दीवारें नहीं खड़ी होंगी, ये सब प्यार से चलेंगे और राजस्थान का नाम फिर से होगा। मैं कुछ कुछ चीजें आपके सामने लाना चाहूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी, मुझे मालूम है बहुत देर से आप लोग रुके हो, पर मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि 17-18 अप्रैल 2006 जब हम मुख्यमंत्री थे तो मैंने देश भर के प्रमुख वैज्ञानिकों को यहाँ बुलाया था, राजस्थान में बुलाया था, और मेरा ये मानना था कि अगर हो सके तो हम लोग एक किसान आयोग बनाएं, जिस किसान आयोग के द्वारा गांव के अंदर से जो सकारात्मक सुझाव है और जो नकारात्मक काम हो रहे हैं जिनको अपने को हटाना है, उनके बारे में वो किसान संघों के द्वारा, उस आयोग के द्वारा डायरेक्ट संपर्क हमसे होगा, तो ये घंटों दिनों सालों टाइम खराब करने की जरूरत नहीं होगी, सीधे सीधे बात टेबल पे आ जाएगी और उसके द्वारा हम उन चीजों को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तकनीकें बदल रही हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, हम ये सोच रहे थे कि इसका लाभ हमारे किसानों को इस आयोग के द्वारा मिले और इसके साथ साथ अच्छा मूल्य जो बाजार के अंदर है, सबसे बेस्ट मूल्य जो बाजार के अंदर है वो हमारे किसानों तक पहुंचे और किसानों का बीज, उनका पानी, उनका पशुपालन, उनका खाद, ये सब चीजें, इनके अंदर क्या निर्णय सरकार को लेना है, कितने जल्दी वो निर्णय लेना है, वो भी उस आयोग के द्वारा निर्णय लिया जाए। और मैं यही सोच रही थी कि 6 साल के अंदर हमने जो आयोग लगाया था वो आयोग पूरा क्यों नहीं हुआ, इसको खड़ा कर दिया होता तो हमारे कितने किसानों को मदद हो जाती। 28 मई 2012 को हमारे किसान आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट पेश करने के बाद मुझे लगा कि इस रिपोर्ट को देख के कई घोषणाओं की झड़ी लग जाएगी, क्योंकि तो बहुत जल्दी झड़ी लग जाती है ये 4-6 महीने में, परंतु मैंने देखा ये कुछ नहीं हुआ। क्या ये सरकार किसानों का भला चाहती नहीं है? क्या उसके अंदर जो लिखा है उसका कुछ करना चाहती नहीं है? ये विश्वास मैं सबको देना चाहूंगी कि किसान आयोग को फिर से पैर पे खड़ा करके और हम अपने किसानों को मजबूत बनाने के लिए जितना कर सकते हैं उस आयोग के थ्रू करना शुरू करेंगे, ताकि किसानों का काम सकारात्मक और तुरंत जल्दी तरीके से आप लोगों के बीच में हो जाए। मैं बताना चाहती हूँ कि राजस्थान का विकास दर अब देश के अंदर सबसे खराब हो गया है, 5% है हमारा विकास दर, और भारत में जो विकास दर है वो 10 साल के अंदर सबसे धीमी हो गई है, 4.6% हो गया। मैं बताना चाहती हूँ कि राजस्थान की ये स्थिति है और इस राजस्थान की स्थिति को अगर हमको सुधारना है तो हम लोगों को सबको अपने दिमाग में इस चीज को रख के आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। इसके बाद सब लोगों ने मेरे को कहा, आज एक डेढ़ दिन से मैं जहां जा रही हूँ, सब महिलाओं ने मेरे पास आके हाथ जोड़ के मेरे से सिर्फ कहा कि हमारे नागौर लिफ्ट सिंचाई योजना के कुछ करिए, हमारे क्षेत्र के अंदर ज्यादातर जहां हम जाते हैं वहां फ्लोराइड ही फ्लोराइड है, लोग बीमार हो रहे हैं, कुबड़े हो रहे हैं, हमको साफ और पर्याप्त पानी आप अगर पहुंचाएंगे तो हम कितने सालों से कह रहे हैं, अगर कोई भी हमको पहुंचाएगा तो हम उनके अंधाधुंध भगत हो जाएंगे। मुझे याद है कि जब हम लोगों ने ये परिवर्तन यात्रा निकाली थी तो नागौर के चौक में मैंने आपको वायदा किया था, सबको वायदा, जो भी आए थे वहां तक उनको वायदा किया था कि आपको मैं वायदा करती हूं कि हिमालय का पानी, क्योंकि वो शब्द आपने इस्तेमाल किया, हिमालय का पानी नागौर तक पहुंचा के हमारे नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबको पानी पिलाओगे तो हम मानेंगे। हमने जोश था उसमें, जवान भी थे, हमने राज किया नहीं था, हमने सोचा कि क्यों नहीं हो सकता है, आपको कभी वादा किया, वादा करने के तुरंत बाद उसके अंदर लग गए मुझे 5 साल, परंतु मैंने भाइयों पूरा किया मेरा वादा, और हमारी सरकार जाने से पहले 761 करोड़ के पहले ट्रांस से नागौर के अंदर पानी आपने आपको दे दिया, कोई मुझे नहीं कह सकेगा कि आपने अपने वादे को पूरा नहीं किया। उसका सेकंड फेज था कि 1381 गांव, यानी 1400 गांव के अंदर हमें पानी पहुंचाना,
उन 1400 गांव मैं समझती हूँ कि काश अपनी सरकार अगर रहती उस समय तो आज दिन तक चाहे वो पर्वत पर हो, चाहे मकराना हो, चाहे डीडवाना हो, चाहे लाडलू हो, चाहे खिंसर हो, कोई भी अपने क्षेत्र के जो भी क्षेत्र हैं उन सब को पानी शुद्ध पीने का अवसर मिलता, उन गांव के अंदर भी पानी जाता और हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले वही काम हम करने वाले हैं। इसका नागौर के लोगों को मैं पूरी पक्का विश्वास दिलाती हूं। कभी कभी जब आप लोग किशनगढ़ हनुमानगढ़ हाईवे पे चलते हो तो हमारी याद आती है। मैं इसलिए कह रही हूं कि आप लोगों ने इसकी भी चुनौती मुझे दी थी, 407 करोड़ रुपए अपन ने लगाए और हनुमानगढ़ से लेकर किशनगढ़ का रास्ता कर दिया जिससे ज्यादा से ज्यादा हिस्सा आप सबके क्षेत्र को छूता हुआ निकलता है। मैं पूछती हूं कि 154 करोड़ रुपया और 130 किलोमीटर का रास्ता आप लोगों के क्षेत्र के अंदर से निकलता है तो कभी कभी जब आप उसके ऊपर से चलते हो तो मैं ये छोटा सा सोच के देती हूँ। कभी तो कहते होंगे कि हाँ उसने वादा किया था, उसने अपना वादा पूरा किया। और मुझे खुशी भी इस बात की है कि आज 5 साल निकल गए, पूरी सरकार निकल गई, तो समझो आप 5 साल निकल गए और वो सड़क वैसे की वैसी है। अभी 2 महीने से मैं दौरा कर रही हूं और मैंने कई नई सड़कें देखी हैं और नई सड़कें देख के मुझे आश्चर्य हो रहा है। जगह जगह पर उसमें गड्ढे आ गए हैं, जगह जगह पर छिल गया है, ऊपर से वो काला काला से जो आता हो डामर पड़ता है वो उठ गया है। और मुझे तो विश्वास है कि अच्छी बरसात हो जाएगी तो वो रोड भी अच्छी तरह से धुल जाएगा। ये तो मुझे तो देखने को। और एक तो रोड तो ऐसे है जो लोग कहते हैं कि आगे बढ़ता जाता है, बनता जाता है, पीछे से रोकड़ता जाता है, ये भी हमको देखने को मिला है। हमने साथ में तीसरे पॉइंट में सब लोगों को जब अपना परिवार खड़ा हो जाता है तो सबसे ज्यादा वो परिवार क्या चाहता है, अपने बच्चों को बड़ा करना है तो वो चाहता है कि हमारी मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं, उसमें बिजली है, उसमें पानी है, उसमें सड़क है, उसमें डॉक्टर है, उसमें टीचर। आपसे पहले मैं कहना चाहती हूँ पानी की समस्या तो बहुत ही विकट है परंतु वो कर लेंगे अपनी सरकार आती है तो। मैं आपको बता रही हूँ कि बिजली की समस्या है वो दूसरी विकट है। माता मैंने आपको बताना चाहती हूँ कि राजस्थान के इतिहास में पहली दफा एक घरेलू लाइन के नाम से सिंगल फेज की बिजली महिलाओं को देने का काम अपन ने शुरू किया। ये पहले कभी नहीं था और मैंने इसलिए किया कि महिलाओं को मिले घर के अंदर। तो आप लोग जब थके मांदे अपना काम से घर चले जाते हो तो ठंडा घर मिल जाता है, कूलर चल जाते हैं, फ्रिज चल जाता है, किचन में जब खाना बनाती हैं तो वो खाना भी ठंडक में बना सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चों को जब परीक्षा होती है परीक्षा के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, अपनी लाइट आ रही है वो सिंगल फेज की लाइट में परीक्षा के लिए पढ़ के क्लास में जाके अच्छी परीक्षा लिख के वापस आए, ऐसे ही बच्चों के लिए व्यवस्था हो, ये सब सोच के हमने आपको सिंगल लाइन दी। 2008 तक माता बहने ये लाइन आप तक पहुंच गई थी और मुझे मालूम है क्योंकि मैंने जगह जगह अपने सरपंचों को टेलीफोन खुद किया और पूरे हमारे विभाग के लोग भी करा करते थे कि पता करने के लिए बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची। और मुझे मालूम है कि 18 से 20 घंटे ज्यादातर सब लोगों के पास पहुंची। काश मैं भी कहती हूँ कि सरकार रहती तो ये सिंगल फेज बिजली 24 घंटे आपको मिलती, आपको कभी इसके बारे में पूछने की जरूरत नहीं होती। और मैं आपको कह रही हूँ कि जैसे मैंने कहा नागौर का पानी नागौर के अंदर जगह जगह पे पहुंचेगा वैसे ही 24 घंटे महिलाओं को घरेलू बिजली 24 घंटे उनको मिलेगी। ये भी आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं देख रही हूँ कि आज किसानों की महिलाओं की बिजली तो 7-8 घंटे पे सिमटते रह गया है, 9 घंटे और उसमें भी बड़ी जोरदार चटें। और किसानों की बिजली है वो 3 या 4 घंटे या 5 घंटे आपके यहाँ 4 घंटे 5 घंटे तक आपको मिल जाती है वो भी ट्रिपिंग के साथ। और अगर कहीं गलती से ट्रांसफॉर्मर फूट जाता है तो वो ट्रांसफॉर्मर 72 घंटे में आता है क्या? 72 घंटे में आ जाता है? 72 घंटे में नहीं, 1 महीना लग जाता है, कभी 2 महीना लग जाता है, परंतु आता भी है तो बिना रिश्वत के नहीं आता है। आता है बिना रिश्वत के नहीं आता है, आप सब जानते हैं। ये सब चीजें नामुमकिन है और ये सब पहले नहीं थी और आगे भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये आपकी सुविधा है, आप तक आनी चाहिए, आपको मिलना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को ये काम करना ही चाहिए। इसी तरीके से हमने तय किया कि हमारे बच्चों को अगर पढ़ाना है तो उनको अच्छी तरह से स्कूल का इंतजाम करना होगा। मैंने बहुत सारे स्कूल खोले, करीबन 1000-1500 स्कूल इस क्षेत्र के अंदर,
प्राइमरी से लेके मिडिल से लेके सेकेंडरी से लेके सीनियर सेकेंडरी तक स्कूल खोल दिए और करीबन 5000 लोगों को टीचर बनाए। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सरकार के आते ही सामान्यकरण के नाम से 700 स्कूल को तो बंद कर दिया। और मैं आपको ये भी बता दूं, मुझे मालूम था कि इसकी सारी ढाणियां हैं और दूर हैं, और उन ढाणियों के अंदर से वहां दूर दूर से बच्चे यहां नहीं आ सकते। इसलिए हमने अपना सोच विचार करके ये तय किया कि ढाणी दूर होगी, हो सकता है स्कूल में 50 बच्चे 100 बच्चे से ज्यादा नहीं आएंगे, परंतु वो बच्चे यहां नहीं आ सकते इसलिए उनका इंतजाम अपन लोग करेंगे। और ये सोच करके उन लोगों के स्कूल का इंतजाम हम लोगों ने किया था और बच्चों को वहां पढ़ाने का काम भी किया था। आज 700 स्कूल तो बंद हो गए और मुझे विश्वास है कि हबड़ दबड़ में फिर खुलेंगे, पर खोलने से कोई मतलब नहीं है, पर टीचर भी तो चाहिए। टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो स्कूल और हॉस्पिटल कैसे खुलेंगे जितने भी हबड़ दबड़ हो। और 4 महीने बच रहे हैं और 2 महीने के अंदर तो आपकी आचार संहिता लग जाती है, फिर क्या होगा? मैं सबसे पूछ रही हूँ। एम्प्लॉयमेंट रोजगार की तरफ से हमने तय किया कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे, बड़े हो जाएंगे तो आगे चलते उनको रोजगार की जरूरत है। यहाँ देखते हैं तो 8वीं तक तो सबको पास हमें करना ही है, तो हम तो स्कूल ही बंद कर दें, टीचर भी रोक दें कि करने की जरूरत नहीं है, 9वीं में आप आ जाओ। परंतु कितनी शर्म की बात है कि अगर इस तरीके से करेंगे तो एक कितना बड़ा षड्यंत्र है। कोई चाहते नहीं है लोग कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे मजबूत हो और कॉम्पिटिशन में बैठ के जीत के उसमें से निकल के आए, इसीलिए सब षड्यंत्र चल रहे हैं। हमने सबको कह दिया कि अगर अपने समय के अंदर 10 लाख बच्चों को हम नौकरी दे सकते थे, जिन 10 लाख बच्चों में से कुछ सरकारी नौकरी थी कुछ गैर सरकारी नौकरी थी, हम लोगों ने सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन बनाया था ताकि आपके एससी और इनमें सब अच्छी अच्छी आराम से बात हो जाए और जल्दी जल्दी जितने जल्दी हो सके, चाहे पुलिस में हो चाहे टीचर में हो चाहे डॉक्टर में हो, उनकी भर्तियां जल्दी जल्दी हो जाए। ये सरकार आते ही उसको बंद कर दिया है और फिर से हम मुझे विश्वास है कि क्या होगा, आगे ये चलेंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, जिले के अंदर जाएंगे, कोर्ट के स्टे आएंगे और बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, यही जाके वहां रुकने वाले हैं। और यही देखते आ रहे हो 4.5 साल के अंदर जब लोगों को नौकरी नहीं मिली है तो आप लोग क्या करें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वीर तेजा जी का करनाल के अंदर भी मैंने 50 करोड़ रुपया दिया था कि भाई मंदिर बन जाएगा, भव्य मंदिर बन जाएगा। वो अकेला नहीं, मीराबाई का भी दिया था, लोग अमेरिका भी दिया था, जगह जगह पर मैंने बनाया। परंतु मैंने देखा जो 50 करोड़ तो आ गए थे, परंतु उसको आगे बढ़ाने का काम, उसको और पैसे देने का काम इस क्षेत्र के अंदर नहीं किया। मीरा जी का तो मैंने बंद कर अपने तैयार करके छोड़ भी दिया, परंतु वो भी अगर हो जाता तो मैं समझती हूँ कि कितना अच्छा होता सबके लिए। मैं सबको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ इस 4-4.5 साल के अंदर भ्रष्टाचार नाम की चीज जो है इतना बड़ा बन गई है। ऊपर वाले दिखा रहे हैं, नीचे वाले दिखा रहे हैं और सबसे नीचे वाले को भाई रहे हैं, ये तो होना ही। मैं देख रही हूँ किसी के तो होटल बन गए, किसी के खान आ गए, किसी को नौकरियां मिल गई, कोई भी ऊपर वाले कोई ऐसा आराम में बैठे नहीं है, सबको कुछ ना कुछ मिल गया है। और मैं सबको कहना चाहती हूँ कि नीचे अगर देखोगे जनता की तरफ तो देखोगे कि जनता तो त्राईमाम कर रही है, दुखी होकर बैठी। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी और वो है मनरेगा। मनरेगा के अंदर आपको याद होगा जब वो शुरू हुआ था तो राजस्थान के अंदर अपनी सरकार थी, उस मनरेगा के नाम से पूरे देश के अंदर अगर कोई भी प्रदेश आगे चलता था तो वो था राजस्थान। सबसे ऊपर प्रदेश, सबसे नंबर वन प्रदेश उस समय था राजस्थान। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि 26 लाख लोगों को हमने नौकरी दी थी, महिलाओं को लुबड़ियां दी थी। मुझे नहीं मालूम कि अभी महिलाओं को किसी को लुबड़ी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मुझे लगता है अभी मिल रही है क्या किसी को लुबड़ी मिल रही है? वहां लुबड़ियां मिलती थी और लोगों को पूरा काम मिलता था, 100 रुपए पूरे मिलते थे। आज लोगों से पूछो तो कोई कहता है 22 रुपए, कोई कहता है 30 रुपए, और एक तो मजाक में कहता है मेरे को 1 रुपया, उससे ज्यादा और मुसीबत क्या हो सकती है। और मैंने देखा कि राजस्थान के 26 लाख लोगों ने काम करके राजस्थान की परिसंपत्तियां बनाई। और पिछले 5 साल के अंदर अगर राजस्थान आगे बढ़ा, अगर राजस्थान विकसित हुआ, तो जैसे मैंने कहा हम लोग तो थे ही, परंतु हमारी जनता, ये 26 लाख लोगों ने जो साथ मिलकर काम किया उसकी वजह से आपने राजस्थान के अंदर विकास का बदलाव देखा। ये सबसे बड़ी बात थी, वो जनता का काम। मैं आज भी ये कह रही हूं कि अगर मौका मिलता है तो हम लोग सब पूरा परिवार मिलकर राजस्थान को बदलना चाहते हैं। आपने भी सपना देखा है, हमने भी सपना देखा है, हम सब चाहते हैं कि एक ऐसा सुंदर नया राजस्थान बन जाए जिस राजस्थान के अंदर हमारे बच्चे अपने पैर पर खड़े हो सके,
हमारे किसानों को आत्महत्या पर निर्भर होने की जरूरत नहीं हो कि भी आप आत्महत्या के कदार पे आ गए हैं। हमारे माताएं बहने अपने सिर ऊंचा करके चले, ऐसी स्थिति हम कहां चाहते हैं? क्या आप लोग नहीं चाहते हो? ये आप लोग भी सब ये चाहते हो ना? अगर सब लोग ये चाहते हैं तो मुझे आप ही बता दो, क्योंकि डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। आप लोग तैयार हो सरकार बदलने के लिए? आप लोग तैयार हो तो दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बनाओ, हाथ मत करना, क्योंकि यह हाथों ने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया है। दोनों हाथ मुट्ठी बन करके एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एक राजस्थान को नारा दे दो, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। हम सब मिलके अगर काम करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ, हम लोग मिलके एक नया राजस्थान बनाएंगे, आपके सपनों का राजस्थान।